I hope you all are good and be safe at your home. So today I am going to learn maths. Maths में हम क्या देखेंगे यार? Addition and subtraction. Addition हम देखते हैं पहले addition. Addition means होता है जोड़ना, add करना. Numbers को हम add करके fill up करेंगे. Okay? First देखते हैं ये कितने digit लिखी है? 2. कितना number लिखा है? 2. ये कितना number लिखा है? 1. हम इसको add करेंगे, जोड़ेंगे. ये कितने लिखे हैं? 2. तो हम आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं बच्चों और लाइन खींच कर भी. ओके तो हम ये टू नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. 1 2 ये कितना लिखा हुआ है? 1. हमने यहाँ लिख दिया 1. अब हम इसको काउंट करते हैं कितने हुए टोटल. 1 2 3 कितने हुए? 3. तो मैंने यहाँ कितना काउंट करूंगी? 3. ओके नेक्स्ट ये कितना लिखा है बच्चों नंबर बताओ आप? 5. तो हम एक बार फिंगर पे काउंट करते हैं. ओके 1 2 3 4 5 और ये कितना लिखा है? 1. तो ये 5 और 1 कितना हुआ? 6. तो मैं यहाँ कितना डाउन कर दू? 6. और आप लाइन ड्रॉ कर कर भी कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं. 1 2 3 4 5 मैंने लाइन ड्रॉ करे. अभी यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लाइन ड्रॉ करूंगी. 1 यहाँ पे काउंट करेंगे हम. 1 2 3 4 5 और ये 6. तो यहाँ मैंने काम कर रखा है 6. अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? कितना नंबर है? 3. तो मैं कितनी लाइन ड्रॉ करूँ? 3. 1 2 3 यहाँ कितना लिखा नंबर? 1. तो मैंने यहाँ 1 काम कर दिया. काउंट करेंगे हम. आप करो काउंट बच्चों. 1 2 3 4 कितना आया? 4. नेक्स्ट यहाँ कितना लिखा है बच्चों? 2. यहाँ पर भी 2. तो दोनों बार हम 2 2 लाइन ड्रॉ करते हैं. 1 2 1 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे. 1 2 3 4 मैं यहाँ कितना लिखूँ बच्चों? कितना काउंट हुआ हमारा? 4. मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया 4. आया समझ? अब हम इस तरफ देखते हैं. बताओ बच्चों यहाँ कितना नंबर लिखा है? आप बताओ कितना नंबर है ये? 8 नंबर लिखा है. हम यहाँ पे 8 लाइन को डाउन करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कितना लिखा है? 1. तो मैंने यहाँ 1 लाइन कर दी. अब इसको काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 यहाँ मैंने डाउन कर दिया 9. अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये कितने लिखे हैं हमारे नंबर? 4. अब फिंगर्स पे लिखते हैं एक बार. ठीक है 4. 1 2 3 4 ये कितना नंबर है? 1. तो ये 1. तो कितना काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ कितना काउंट कर दिया? 5. एक बार लाइन ड्रॉ करके भी देखते हैं हम इसको. देखो 1 2 3 4 ये कितना? 1 काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ डाउन कर दिया 5. अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ कितने लिखे हैं? 1. तो ये भी 1. 1 और 1 कितना हुआ? 2. तो मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया 2. आया समझ? अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा ये क्या लिखा है? 2. मैं ड्रॉ करूंगी लाइन 1 2 ये कितना लिखा है? 3. मैं डाउन करती हूँ 1 2 3 काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों 5. आया समझ आपको? अरे ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये साफ करना है पूरा. ठीक है आया समझ आपको? अब हम क्या देखेंगे? सब्ट्रैक्शंस. अभी हमने देखा एडिशन, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस, घटाना. नंबर्स को हमें कम करना है. ठीक है जैसे ये क्या लिखा है? 6. तो हम यहाँ कितनी लाइन में ड्रॉ करूँ? 6. जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी 1 2 3 4 5 6. एडिशन में हम पीछे वाले जो एक और डिजिट रहती है वो भी राइट डाउन डाउन करते हैं लाइन को. लेकिन हम यहाँ पे 6 लिखे हैं तो मैंने 6 नंबर को 6 लाइन को ड्रॉ कर दिया. अभी पीछे कितना लिखा हुआ है? 1. तो 1 को हम किस में से क्या देंगे? माइनस कर देंगे, काट देंगे. तो कितना बचा हमारे पास? जो कटा हुआ है ना उसको नहीं गिनेंगे, जो बचा है उसको काउंट करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 में से 1 चलेगा तो कितना बचा? 5. जैसे बच्चों देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे आपके पास 5 रुपीज़ है. ठीक है आपने 1 रुपीज़ की ट्रॉफी ली तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे?
देखो आप 5 रुपीज थे, आपने टॉफी ले ली बन की, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 1, 2, 3, 4, 8 चला गया आपके पास से, तो कितना बचा? 4 रुपए ही बचे आपके पास। ऐसे ही यहाँ पे करना है हमें, तो यहाँ पे कितने लिखे हैं? 4, डाउन करते हैं पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितना लिखा हुआ पीछे? 1 इसमें से हटा देती हूँ, 1 को माइनस करो, कितना बचा? काउंट करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे मैंने डाउन कर लिया 3। जो लाइन कट जाती है बच्चों उसको नहीं गिनते, जो बची हुई लाइन रहती है उनको हम काउंट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5, मैं 5 नंबर लिखती हूँ, लाइन ड्रॉ करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या लिखा है पीछे? 1, 1 को मैं काट दूंगी, कितना बचा? 1, 2, 3, 4, मैं कितना डाउन करूँगा? 4। नेक्स्ट यहाँ लिखा है बच्चों देखो 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2, अब उन्होंने बोला 2 में से 2 माइनस करना है, 2 काटना है, दोनों काट दिए, हमारे पास क्या बचा? 0। आपके पास 2 रुपीज है, 2 रुपीज का आपने कुछ भी ले लिया, टॉफी ले लिया आपने, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0। हमने 2 में से 2 माइनस किएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 0। आया समझ? अब हम नेक्स्ट और देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं 6, मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है ना बच्चों? ये कितना लिखा है? 2 नंबर को मैं काट देती हूँ, माइनस कर देती हूँ, 1, 2, मैंने 2 हटा दिए, कितना बचा? 1, 2, 3, 4, मैं डाउन करूँगी 4, आया समझ? नेक्स्ट ये कितना दिया है? 8, तो मैं 8 लाइन ड्रॉ करती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ कितना लिखा है? 1, तो 1, 8 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचा? काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आया कितना? 7 नंबर। नेक्स्ट यहाँ कितना लिखा है? 9, 9 नंबर में ड्रॉ करती हूँ 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ कितना लिखा है पीछे? 1, 1 नंबर माइनस करना है, 1 नंबर माइनस कर दिया, हमारे पास कितने नंबर कितनी लाइन बची? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ डाउन कितना करूँगी? 8। लास्ट है हमारा 7, यहाँ पे भी 7 लिखा है और 7, 7 में से 7 माइनस करना, अभी हमें यहाँ पे दिखा था 2 में से 2 माइनस करना था, तो यहाँ पे 7 लिखा है, तो 7 लाइन कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से 7 माइनस करना, मतलब 7 में से 7 को हटाना है, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 काट दिया, कितना बचा बचा बच्चों? कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कितना आएगा? 0, हमने काउंट कर दिया 0, आया समझ आपको? अब आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, अब हम डिजिट के नीचे डिजिट लिखकर एक बार उस टैग में देखते हैं, ओके? अभी हमने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फिलअप करना था, अब यहाँ पे डिजिट के नीचे डिजिट दिए हैं उनको कैसे प्लस करेंगे और कैसे माइनस करना है। जैसे बच्चों दिया है यहाँ पे क्या दिया है? 1, तो मैं यहाँ डाउन देखती हूँ 1, यहाँ पे कितना लिखा है? 1, तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी 1, अब इनको काउंट करेंगे 1, 2, कितना हुआ यहाँ? 2, फिंगर्स पे भी आप काउंट कर सकते हो 1 और 1, 2, अब यहाँ कितना लिखा है? 4, मैं लाइन खींचती हूँ 1, 2, 3, 4, यहाँ कितना लिखा है बच्चों नीचे? 1, मैंने यहाँ तक प्लस करा और 1 का लाइन ड्रॉ करी, अब इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 5, मैंने डाउन कर दिया, यहाँ पे कितना आया हमारा? 5, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है? कितना नंबर है बताओ बच्चों आप? 5, यस, यहाँ पर आप कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे कितना लिखा हुआ है? ऊपर वाले नंबर की भी लाइन ड्रॉ करनी रहती है और नीचे वाले नंबर की भी हमें लाइन ड्रॉ करनी रहती है और काउंट करते हैं, उनमें ऊपर वाले नंबर की लाइन ड्रॉ करिए 1, 2, 3, 4, 5, अब नीचे वाला नंबर कितना लिखा है हमारे पास? 2, 1, 2, अब हम इनको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ कितना नंबर लिख दूंगा? 7, आया समझ आपको? ये हमने क्या किया है? एडिशन, इनको जोड़ा था, अब हम करेंगे माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है? यहाँ देखना बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है हमें? जो ऊपर वाला नंबर है बस उन्हीं की लाइन ड्रॉ करनी है और जो नीचे वाला नंबर है उसमें से इसको माइनस करना रहेगा,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ऊपर वाले नंबर की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन नीचे वाले नंबर की लाइन ड्रॉ नहीं करना, यहाँ पे इसमें से माइनस करना है हमें। तो यहाँ पे टू इसमें से माइनस कर देंगे, वन टू कितना बचा हमारे पास, काउंट करेंगे हम, वन टू थ्री फोर। जो कटा हुआ है, जो नंबर्स कट गए उनको काउंट नहीं करना, जो नंबर्स लाइन ड्रॉ है जिस पे नंबर नहीं कटा उनको काउंट करना रहती है। वन टू थ्री फोर, मैं यहाँ डाउन कर दूंगी फोर। आया समझ? अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कितना लिखा है, थ्री, वन टू थ्री। नीचे कितना लिखा हुआ है बच्चों, वन। इसमें से क्या कर दूँ मैं, वन माइनस कर दूँ, वन काट दूँ, मैंने इसको वन को काट दिया, तो हमारे पास कितनी लाइन बची, वन टू। मैं यहाँ कितना नंबर लिखा हुआ है बच्चों, टू। आप फिंगर्स पे भी कर सकते हो, जैसे आपके पास थ्री रुपीज है, आपके पास कितनी रुपीज है, थ्री, इसमें से आपके पास से वन चले गए तो कितने रुपीज बचे, टू रुपीज बचे। मैंने यहाँ डाउन कितना किया, टू। ऐसे आप फिंगर से भी कर सकते हो और लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे कितना दिया है, फोर। फोर लाइन को मैं ड्रॉ करती हूँ, वन टू थ्री फोर। नीचे कितना नंबर लिखा है बच्चों, टू, इसमें से टू मैं माइनस कर देती हूँ, वन टू। यहाँ कितने नंबर बचे, वन टू, मैंने लाइन टू लिख दिया, वन टू। आया समझ? आपको मैंने दोनों टाइप से सिखा दिया। आज हमने देखा वन से लेके टेन तक के नंबर्स में प्लस और माइनस। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू। आपको घर पे क्या करना है, इनको राइट डाउन करना है और प्रैक्टिस